हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं कि ट्यूनिंग वर्ब की अननोन जो फ्रीक्वेंसी होती है उसकी वैल्यू को हम कैसे कैलकुलेट करें। अपने पास अलग अलग टाइप के ट्यूशन आते हैं जिनमें एक कॉमन टाइप का ट्यूशन हमें हमेशा मिलता है कि आपको कोई एक है ट्यूनिंग वर्ब दे देगा जिसकी फ्रीक्वेंसी आपको पता है और कोई दूसरा ट्यूनिंग वर्ब आपको दे देगा जिसकी फ्रीक्वेंसी आपको पता नहीं है। तो हम कैसे अननोन फ्रीक्वेंसी वाला जो ट्यूनिंग वर्ब है उसकी फ्रीक्वेंसी की वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं। तो हमने बेसिक जो तरीका देखा उस बेसिक तरीके के अंदर हमने देखा कि किसी एक नॉर्मल सॉल्यूशन को करने के लिए अगर हमें इतना सोचना पड़े तो वो तो गलत है, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। तो हम क्या करते हैं कि उस क्वेश्चन को छोड़ देते हैं कि एक ही क्वेश्चन तो है, एक ही क्वेश्चन की बात है, इसे हम छोड़ देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि अगर आपको एक ट्यूनिंग फोर्क से दूसरे ट्यूनिंग फोर्क की फ्रिक्वेंसी पता लगानी है तो आप कैसे इजीली जो है विद इन सेकेंड्स पता लगा सकते हैं कि अननोन जो फ्रीक्वेंसी वाला ट्यूनिंग फोर्क है उसकी फ्रीक्वेंसी की वैल्यू कितनी होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि अगर हमें किसी अननोन फ्रीक्वेंसी के ट्यूनिंग फोर्क की फ्रीक्वेंसी को पता लगाना है तो आपको उसके साथ साथ एक और ट्यूनिंग फोर्क भी चाहिए होगा जो ऐसा ट्यूनिंग फोर्क हो जिसकी फ्रीक्वेंसी की वैल्यू हमें पता हो। जैसे मैं यहाँ पर लेके चल रहा हूँ कि ए जो आपके पास एक ट्यूनिंग फोर्क है इसकी फ्रीक्वेंसी की वैल्यू जो है वो हमें पता है। इसकी फ्रीक्वेंसी की वैल्यू जो है वो हम डिनोट कर लेते हैं कि एन, इसकी एन ए जो है वो इसकी फ्रीक्वेंसी की वैल्यू है, ठीक है। बी जो आपके पास है, बी की फ्रीक्वेंसी की वैल्यू हमें नहीं पता। बी जो ट्यूनिंग फोर्क है वो अननोन फ्रीक्वेंसी का है, इसकी वैल्यू जो है वो हमें नहीं पता है और इसकी वैल्यू नहीं पता है उसी को हमें फाइंड करना है। तो इस तरीके की प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, और ये बताने से पहले मैं आपको इतना कन्फर्म कर दूं कि अगर आपने बेसिक पढ़ रखा है बीट्स का प्लस में ट्यूनिंग फोर्क का और किस तरीके से हम वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, बेसिक मेथड की बात कर रहा हूँ मैं, तो वो बेसिक मेथड पढ़ रखा है तभी ये आपका ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगा और आप क्वेश्चन इजीली कर पाएंगे। अगर वो आपका कंसेप्ट उस का आपको क्लियर नहीं है तो आप पहले जाकर उसे क्लियर करें और उसके बाद में ही इस शॉर्ट तरीके को आपको लगाना है, तभी आप अच्छे से किसी भी क्वेश्चन को हैंडल कर पाएंगे। तो हम कह रहे हैं कि बी जो आपके पास ट्यूनिंग फोर्क है इसकी फ्रीक्वेंसी है अननोन और ए जो ट्यूनिंग फोर्क है इसकी फ्रीक्वेंसी है नोन। अब आपको बोल रहा है कि अगर बी जो है इसकी फ्रीक्वेंसी जो है वो कितनी होगी आफ्टर अप्लाइंग सम वैक्स ऑन इट्स स्ट्रॉन्ग्स तो क्या होगा, अननोन फ्रीक्वेंसी कितनी होगी। तो हम कैसे सॉल्व करते हैं, हम बेसिक फॉर्मूले लगाते हैं कि हम बोलते हैं कि एन ए और अननोन फ्रीक्वेंसी, जब एक इन दोनों को एक साथ साउंड करवाया जाता है, एक साथ वाइब्रेट करवाया जाता है तो ये एक्स बीट पर सेकेंड प्रोड्यूस कर रहे हैं। एक्स बीट प्रोड्यूस कर रहे हैं इसका मीनिंग क्या हो गया, इसका मीनिंग हो गया कि इन दोनों की फ्रीक्वेंसी का जो डिफरेंस है वो डिफरेंस x है। इन दोनों की फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस क्या है, x है। अब मैं इसको na-nb=x नहीं लिख सकता, क्यों, क्योंकि मुझे क्या पता कि na की वैल्यू ग्रेटर है या nb की वैल्यू ग्रेटर है। तो अपने पास दो कंडीशन आ जाती है कि या तो na-nb=x है या फिर nb-na=x है। तो हमें पता कैसे चले कि एक्चुअल के अंदर क्या इसकी फ्रीक्वेंसी की वैल्यू होगी, तो हम क्या करते हैं, हम एक बार एक्स की जो है कुछ वैल्यू स्पेसिफिक वैल्यू लेके चल रहे हैं कि जब मैं इन दोनों को जो है वो एक साथ वाइब्रेट करवा रहा हूँ, एक साथ साउंड करवा रहा हूँ, तो ये जो दोनों हैं वो 5 बिट प्रोड्यूस कर रहे हैं। इसकी इनिशियल फ्रीक्वेंसी जो है उसकी वैल्यू मैंने ले ली यहाँ पर 250 हर्ट्ज। इनिशियल फ्रीक्वेंसी की वैल्यू कितनी ले ली, 250 हर्ट्ज। तो ये 5 बिट पर सेकेंड प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो हम अगर ये दोनों कंडीशन लगाएं कि इन दोनों का जो डिफरेंस है, फ्रीक्वेंसीज का जो डिफरेंस है वो किसके इक्वल होता है, बिट जो प्रोड्यूस कर रहे हैं उसके इक्वल, तो यहाँ पर बिट कितनी प्रोड्यूस हो रही है, 5। तो मैं कहूँगा कि इन दोनों की फ्रीक्वेंसी का जो डिफरेंस है वो कितना है, 5 है। 5 डिफरेंस होने का मतलब कि या तो इसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो इससे 5 ग्रेटर है या इसकी फ्रीक्वेंसी इससे 5 लेस है। तो मैं यहाँ पर जो बोल लेता हूँ कि अपने पास दो कंडीशन हो गई कि या तो इसकी 5 ग्रेटर है इससे ए से, तो 5 ग्रेटर होगी तो फ्रीक्वेंसी की वैल्यू कितनी बन जाएगी, 255
हर्ट्ज बन जाएगी। अब अगर मैं बात करूं कि इसकी 5 लेस हो तो कितनी बन जाएगी, तो मैं बोलूंगा 245 हर्ट्ज बन जाएगी इसकी फ्रीक्वेंसी। अब आंसर जो अपना है वो इन दोनों में से एक ही है, इन दोनों में से एक अपना आंसर है, लेकिन इन दोनों में से कौन सा आंसर है वो कैसे देखेंगे? तो मैं कहूंगा कि यहाँ पर जो आपके पास बी वाला जो ट्यूनिंग फोर्क है, इसके एक प्रोंग पर आप कुछ वैक्स ऐड कर देते हैं। यहाँ पर कुछ एयर वैक्स मैंने यहाँ पर ऐड कर दी। वैक्स ऐड करने से क्या होगा, वैक्स ऐड करने से इसकी प्रोंग का मास जो है वो इंक्रीज हो जाएगा, स्लाइटली इंक्रीज हो जाएगा, और मास अगर इंक्रीज हो जाएगा तो प्रोंग को वाइब्रेट करने के लिए ज़्यादा, यहाँ पर मैं क्या कहूँगा कि प्रोंग जो वाइब्रेट करेगा वो वाइब्रेट पहले के कंपेरिजन में क्या करेगा, लेस करेगा वाइब्रेशन, लेस वाइब्रेशन करेगा, इसका मीनिंग फ्रीक्वेंसी जो है वो क्या हो जाएगी, उसकी डिक्रीज हो जाएगी। तो वेक्स मैंने ऐड कर दिया, तो वेक्स ऐड करने पर अननोन की जो फ्रीक्वेंसी है वो फ्रीक्वेंसी क्या हो गई, डिक्रीज हो गई। अब अननोन की अगर फ्रीक्वेंसी डिक्रीज हो गई, अब मैं अगर देखूं कि उसको वेक्स लगे हुए अननोन ट्यूनिंग फोर्क को एक के साथ साउंड करवाने पर कुछ बिट और प्रोड्यूस हो रहे हैं, अब कुछ बिट और प्रोड्यूस हो रहे हैं, ये वो बिट जो है वो पहले से ग्रेटर है या पहले से स्मॉल है, यानी 5 से वैल्यू ग्रेटर है या 5 से वैल्यू लेस है, इसके बेसिस पर हम अपना आंसर देते हैं कि जैसे 5 से ग्रेटर जो है बिट प्रोड्यूस हो रही है, जैसे हमने ले लिया कि वेक्स ऐड करने के बाद में 7 बिट प्रोड्यूस हो रही है, 7 बिट प्रोड्यूस हो रही है, तो बिट का मीनिंग है दोनों का डिफरेंस, दोनों का डिफरेंस मतलब वेक्स ऐड करने के बाद में इन दोनों की फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस इंक्रीज हो गया, तो वेक्स इंक्रीज, वेक्स लगाने पर इन दोनों की फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस अगर इंक्रीज हो गया तो मैं क्या बोलूंगा, देखो अननोन है आपके पास, आपके पास दो वैल्यू थी 255 और 245, इन दोनों में से एक आंसर। अब अगर मैं इस पर वेक्स ऐड कर रहा हूँ तो 255 से वैल्यू जो है वो लेस होगी, 255 से वैल्यू लेस होगी, तो इन दोनों का जो 255 हर्ट्ज इनिशियल थी इससे कुछ वैल्यू कम हो गई, मुझे नहीं पता कितनी हो गई एक्चुअल के अंदर, लेकिन कुछ कम हो गई, कुछ कम हो जाएगी, तो इन दोनों की फ्रीक्वेंसी का जो डिफरेंस है वो इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा। तो श्योर हमें पता चल रहा है कि अगर ये वैल्यू डिक्रीज होगी तो इन दोनों की फ्रीक्वेंसी का जो डिफरेंस है वो डिक्रीज होगा, ठीक है, लेकिन बीट क्या हो रही है, इंक्रीज हो रहे हैं, बीट इंक्रीज कब होंगे, तो मैं कहूँगा कि 245 से अगर मैं कहूँ इस पर वैक्स ऐड कर दी तो 245 से हमने कम ले लिया कि इसकी फ्रीक्वेंसी जो है वो 245 से क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, 245 से कम हो जाएगी, तो मैं कहूँगा कि 245 हर्ट्ज वाली जो ये है और 250 हर्ट्ज ये जो है, इन दोनों का डिफरेंस देखो इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा। तो 240 मैंने इसको रिज्यूम कर लिया कि ये 242 हर्ट्ज हो गई डिक्रीज होकर, तो 242 हर्ट्ज हो गई, तो इन दोनों का डिफरेंस देखो पहले 5 का डिफरेंस था, अब डिफरेंस कितने का बन गया, आपके पास 8 का डिफरेंस बन गया, या फिर मैं इसको बोल दूं 243, तो मैं कहूंगा कि यहाँ पर जो डिफरेंस है वो कितना बन गया, 7 बन गया यहाँ पर, तो डिफरेंस जो है वो इंक्रीज हो रहा है। हमने क्या कहा, पहले बिट कितनी थी 5, बाद में कितनी हो गई 7, यानी जो दोनों का डिफरेंस है वो डिफरेंस इंक्रीज हो गया, तो डिफरेंस इंक्रीज हो जाएगा, तो डिफरेंस इंक्रीज हो जाएगा मतलब उसकी इनिशियल फ्रीक्वेंसी क्या थी, तो हम बोलेंगे कि अगर 255 से लेस हो जाएगी वैल्यू, तो 255 से लेस होकर एज्यूम करो 252 हो गई, तो 252 हो जाएगी, तो इन दोनों का जो डिफरेंस है वो डिक्रीज हो जाएगा, जबकि यहाँ पर तो डिफरेंस क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। अगर मैं इसकी बात करूंगा तो 245 से अगर वेट सेट करने के बाद में फ्रीक्वेंसी 243 हर्ट्ज हो गई, अगर लेस हो गई थोड़ी, तो इन दोनों का डिफरेंस देखो, इन दोनों का डिफरेंस क्या हो गया, इंक्रीज हो गया, यानी अपना जो आंसर था, अपना जो अननोन फ्रीक्वेंसी थी उसकी वैल्यू क्या आ गई आपके पास, 245 हर्ट्ज। अब इसी के बेसिस पर हम लोग जो है वो एक तरीका देखते हैं कि ये जो है, यही बातें जो हमने यहाँ पर बोली है, जो मैंने समझाई है, यही बातें हम वहां पर देखते हैं कि अगर हम वेक्स ऐड कर रहे हैं, अगर हम वेक्स ऐड कर रहे हैं किसी एक प्रोंग पर, तो वेक्स ऐड करने से पहले की बात करें, तो वेक्स ऐड करने से पहले मैं बोलूंगा कि बीच में यहाँ पर नॉन फ्रिक्वेंसी है, ठीक है, अब नॉन फ्रिक्वेंसी की वैल्यू मैं अपनी तरफ से एज्यूम कर लेता हूँ एन, ठीक है, अब
एन, और अगर वो एक्स बिट पर सेकंड प्रोड्यूस कर रहे हैं तो एक्स बिट पर सेकंड प्रोड्यूस कर रहे हैं तो जो अननोन फ्रीक्वेंसी है दूसरे ट्यूनिंग फोर्क की वो या तो हो जाएगी एन प्लस एक्स या फिर वो हो जाएगी एन माइनस एक्स, ये दोनों ही वैल्यू हो सकती हैं, या तो एन प्लस एक्स होगी या एन माइनस एक्स होगी। अब हम बोलेंगे कि वेक्स जब हम ऐड करते हैं तो वेक्स ऐड करने पर ट्यूनिंग फोर्क की फ्रीक्वेंसी कम होती है, डिक्रीज होती है, तो ट्यूनिंग फोर्क की फ्रीक्वेंसी डिक्रीज होती है तो पहले जो गैप था यहाँ पर, ये जो आपके पास गैप है वो है एक्स का बिट पर सेकेंड का, तो अगर पहले इतना गैप था इन दोनों के बीच में एक्स, तो अब वेक्स ऐड करने पर ट्यूनिंग फोर्क की फ्रीक्वेंसी डिक्रीज हो जाएगी, फ्रीक्वेंसी डिक्रीज हो जाएगी तो मैं कहूंगा कि फ्रीक्वेंसी डिक्रीज हो रही है तो ये जो पार्ट है वो इधर खिसक गया, डिक्रीज हो रही है यानी इधर आ गया, ये जो पार्ट है आपके पास ये शो कर रहा है डिक्रीज को कि इधर जो है इधर आने पर फ्रीक्वेंसी क्या हो गई, डिक्रीज हो गई, ये वैल्यू यहाँ पर आ गई, ये वैल्यू यहाँ पर आ गई। अब इसका मीनिंग क्या हो गया कि फ्रीक्वेंसी डिक्रीज हो गई आपके पास, ट्यूनिंग फोर्क की फ्रीक्वेंसी डिक्रीज हो जाएगी, तो ये देखो यहाँ पर मैं कहूंगा कि फ्रीक्वेंसी अगर डिक्रीज हो गई वैक्सिंग ऐड करने पर तो अगर बीट पर सेकंड कम हो रहे हैं, पहले इतने थे बीट पर सेकंड, ये वाली थी विलाई, अब बीट पर सेकंड जो है वो डिक्रीज हो रहे हैं, अगर बीट पर सेकंड डिक्रीज हो रहे हैं तो आपका आंसर हो जाएगा ये वाला, और अगर बीट पर सेकंड जो है वो इंक्रीज हो रहे हैं तो आपका आंसर हो जाएगा ये वाला एन माइनस एक्स। इस डिक्रीमेंट से अगर आपको कंफ्यूजन होगा तो मैं इधर ऐसे डायग्राम के अंदर ये साइन लगा देता हूँ, इसका मीनिंग हो गया कि वेक्स ऐड करने पर जो फ्रीक्वेंसी की वैल्यू है वो इधर डिक्रीज हो रही है। अब मैं कहूँगा बिट पर सेकंड अगर डिक्रीज हो रही है तो बिट पर सेकंड के अंदर अगर डिक्रीमेंट है, बिट पर सेकंड अगर डिक्रीज हो रही है तो पहले देखो बिट पर सेकंड जो है वो एक्स थी आपके पास, अब जो बिट पर सेकंड है वो इससे लेस हो गई, डिक्रीज हो रही है, तो डिक्रीज हो रही है इसका मतलब इनिशियल कितना था एन प्लस एक्स था। अगर मैं बोलूं बिट पर सेकंड इंक्रीज हो रही है तो बिट पर सेकंड इंक्रीज हो रही है तो मैं क्या बोलूंगा कि यहाँ पर देखो बिट पर सेकंड पहले इतनी थी एक्स, अब इतनी हो गई, इंक्रीज हो गई, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा एन माइनस एक्स हो जाएगा। इसी तरीके से अगर फिलिंग की बात करें तो फाइल करने का मीनिंग क्या है, फाइल करने का मीनिंग है कि कोई आपके पास इसके ट्यूनिंग फोर्क की एक प्रोंग है और इस प्रोंग को आपने पॉलिश कर दिया, ठीक है, इसको आपने रब करके पॉलिश कर दिया और उसका थोड़ा सा मास जो है वो वहां से हट गया है, थोड़ा सा मास वहां से हट जाएगा तो एक तो लेंथ कम हो जाएगी और मास और डिक्रीज हो गया, तो मास और डिक्रीज हो जाएगा तो उसकी फ्रिक्वेंसी इंक्रीज हो जाएगी। तो हम यहाँ पर बात करेंगे कि जब हमने फाइलिंग की तो फाइलिंग करने पर क्या होगा कि पहले जो आपके पास थी बिट पर सेकंड वो बिट पर सेकंड है ये वाली यहाँ तक और ये वाली, या तो अननोन फ्रीक्वेंसी जो है वो आपके पास कितनी होगी, अननोन फ्रीक्वेंसी या तो आपके पास हो जाएगी एन प्लस एक्स या फिर क्या हो जाएगी एन माइनस एक्स, कौन सी होगी, तो मैं कहूंगा फिलिंग करने पर क्या होता है कि फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होती है, फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होती है तो मैं कहूंगा कि पहले अगर बिट ये थे जो डिफरेंस ये था तो अब वो डिफरेंस जो है वो आगे की ओर चला जाएगा, आगे की ओर जाने का मतलब इंक्रीज हो जाएगी, तो फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो गई है, फ्रीक्वेंसी अब ये वाली यहाँ पर आ गई और ये वाली फ्रीक्वेंसी यहाँ पर आ गई, तो मैं कहूंगा यहाँ पर कि अब जो बिट पर सेकंड प्रोड्यूस हो रहे हैं वो बिट पर सेकंड अगर डिक्रीज हो रहे हैं, बिट पर सेकंड अगर डिक्रीज हो रहे हैं तो आपका आंसर हो जाएगा एन माइनस एक्स, क्योंकि पहले इतने थे बिट, अब बिट पर सेकंड जो है बिट जो है वो डिक्रीज हो गई, तो डिक्रीज हो गई मतलब इनिशियल कितनी थी एन माइनस एक्स थी। अब यहाँ पर बात करें कि अगर इनिशियल बिट इतनी है और बिट इंक्रीज हो रही है, बिट जो है वो इंक्रीज हो रही है, तो इंक्रीज होने पर आपका आंसर कौन सा हो जाएगा, पहले इतनी थी अब इंक्रीज हो गई, इंक्रीज हो जाएगी तो आपका आंसर क्या हो जाएगा एन प्लस एक्स हो जाएगा। अब थर्ड अपने पास एक केस आता है जिसके अंदर बोलता है कि वैक्सिंग करने के बाद में जो फ्रीक्वेंसी जो बीट प्रोड्यूस हो रही है
वो वैक्सिंग करने से पहले ही प्रोड्यूस हो रही थी, मीनिंग कि वैक्सिंग करने से पहले जो बिट पर सेकेंड प्रोड्यूस हो रही थी वही बिट पर सेकेंड वैक्सिंग करने के बाद में प्रोड्यूस हो रही है। यानी बिट अगर सेम रहे और अगर फाइलिंग करें तो फिलिंग करने पर क्या होगा कि फिलिंग करने से पहले जितनी बिट पर सेकेंड प्रोड्यूस हो रही थी फिलिंग करने के बाद में भी उतनी ही बिट पर सेकेंड प्रोड्यूस हो तो अपना आंसर क्या होगा। तो हम कहेंगे कि यहाँ पर अननोन फ्रीक्वेंसी अपने पास दो, मैं कहूँगा या तो वैल्यू हो जाएगी एन माइनस एक्स या फिर वैल्यू जो है वो कितनी हो जाएगी आपके पास एन प्लस एक्स हो जाएगी। ठीक है, अब अगर हम बात करें वैक्सिंग की कि अगर मैं वैक्स ऐड कर रहा हूँ, अगर मैं वैक्स ऐड कर रहा हूँ तो वैक्स ऐड करने पर क्या होता है, वैक्स ऐड करने पर फ्रीक्वेंसी डिक्रीज हो जाती है। वैक्स ऐड करने पर फ्रीक्वेंसी क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। तो फ्रीक्वेंसी डिक्रीज हो जाएगी, मीनिंग कि फ्रीक्वेंसी जो है वो डिक्रीज हो जाएगी। वैक्स ऐड करने के बाद फ्रीक्वेंसी डिक्रीज हो जाएगी, मीनिंग इनिशियल वैल्यू जो है वो क्या थी, उसकी इनिशियल वैल्यू ग्रेटर थी क्या, क्योंकि वैक्स ऐड करने के बाद में तो फ्रीक्वेंसी क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। फ्रीक्वेंसी डिक्रीज हो गई मतलब इनिशियल जो आंसर है, इनिशियल जो फ्रीक्वेंसी की वैल्यू जो है वो क्या थी, वो वैल्यू थी हाई। तो अगर वैक्स ऐड कर रहे हैं तो अपना जो आंसर है वो हो जाएगा हाई फ्रीक्वेंसी। ठीक है, अब अगर फिलिंग कर रहे हैं तो फिलिंग करने पर क्या होगा, फिलिंग करने पर मैं बोलूंगा कि फ्रीक्वेंसी की वैल्यू जो है वो क्या होती है, इंक्रीज हो जाती है। फ्रीक्वेंसी की वैल्यू इंक्रीज हो जाती है, तो फ्रीक्वेंसी की वैल्यू जो है वो इंक्रीज हो जाएगी। इंक्रीज हो गई इसका मतलब इनिशियल उसकी वैल्यू लो थी, इनिशियल उसकी वैल्यू कम थी और वे फिलिंग करने के बाद में वैल्यू क्या हो गई, इंक्रीज हो गई। यानी आंसर जो है वो क्या आएगा, आपका लो आएगा। तो फिलिंग करने पर आंसर जो है वो क्या आएगा, लो, और वैक्सिंग करने पर आपका आंसर क्या आएगा, हाई। अगर वैक्सिंग करने पर इनिशियली जो बिट प्रोड्यूस हो रहे हैं वही वैक्स करने के बाद में जो बिट प्रोड्यूस हो रहे हैं उनके सेम हो तो। अब इन तीनों के अंदर ही आपके 6 तरीके की प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो जाएगी। कैसे, तो उसके लिए मैं आपको एक चीज बता रहा हूँ जो आपको हमेशा याद रखनी है। मैं बोलूंगा विल, क्या बोल रहे हैं, विल एज ए शॉर्ट ट्रिक, एज ए इनमें कंफ्यूजन ना हो आपको, इसके लिए हम ये लिख रहे हैं विल। विल का मतलब क्या है, W का मीनिंग है वैक्सिंग, वैक्सिंग कर रहे हैं, वैक्सिंग। ठीक है, वैक्सिंग करने पर बिट इंक्रीज हो, वैक्सिंग करने पर बिट इंक्रीज हो तो लोअर आंसर है, वैक्सिंग करने पर बिट इंक्रीज हो तो लोअर आंसर है। तो मैं कहूंगा कि वैक्सिंग करने पर अगर इंक्रीज हो रही है बिट तो आंसर क्या है, लोअर आंसर है। यानी आपका आंसर क्या हो जाएगा, एन माइनस एक्स हो जाएगा। फिर मैं बोलूंगा इसका उल्टा कि वैक्सिंग में बिट इंक्रीज हो रही है तो आंसर लोअर, वैक्सिंग में बिट डिक्रीज हो रही है तो आंसर है हायर, वैक्सिंग में अगर बिट डिक्रीज हो रही है तो आंसर है हायर हो जाएगा आपका। अब इसी को हम लोग, दो प्रॉब्लम हो गई आपकी विल से। अब अगर हम बात करें फिलिंग की, तो जो विल के थ्रू होगा, जो वैक्सिंग के अंदर होगा, उसका अपोजिट जो है वो किसमें होगा, फिलिंग के अंदर होगा। कैसे, इसमें अगर इंक्रीज हो रही थी तो लोअर आंसर, इसके अंदर इंक्रीज हो रही है तो हायर आंसर, इसके अंदर डिक्रीज हो रही है तो हायर आंसर, इसके अंदर डिक्रीज हो रही है तो लोअर आंसर हो जाएगा। तो मैं कहूंगा कि फिलिंग के अंदर आपको उसका बिल्कुल अपोजिट लेके चलना है। फिलिंग के अंदर अगर बिट जो है वो इंक्रीज हो रही हो, बिट जो है वो इंक्रीज हो रही हो तो हायर आंसर, फिलिंग के अंदर बिट जो है वो इंक्रीज हो रही हो तो हायर आंसर, फिलिंग के अंदर बिट डिक्रीज हो रही हो तो लोअर आंसर, फिलिंग के अंदर बिट डिक्रीज हो रही हो तो लोअर आंसर हो जाएगा। अब इसके अंदर हम बात करें तो फिलिंग के अंदर, फिलिंग के अंदर
क्या होगा आपका आंसर, अगर सेम रह रही है बिट तो सेम रह रही है, तो मैं कहूंगा लोअर आंसर हो जाएगा। वेक्सिंग में सेम रह रही है इसका मतलब इनिशियल वैल्यू ग्रेटर थी, इसका मीनिंग हो गया हायर है आंसर। तो इसके बेसिस पर आप जो है वो 6 टाइप की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो, सारी की सारी प्रॉब्लम्स जो है वो सॉल्व हो जाएगी। लेकिन उसके साथ में एक कंडीशन और है, कंडीशन क्या है, कंडीशन ये है कि ए जो आपके पास फर्स्ट जो आपके पास जो ट्यूनिंग फोर्क दे रखा है वो गिवन फ्रीक्वेंसी का होना चाहिए, सेकेंड जो आपके पास ट्यूनिंग फोर्क है वो अननोन फ्रीक्वेंसी का होना चाहिए, और जो वो वैक्स या फिल ऐड कर रहा है, वो वैक्सिंग या फिलिंग जब कर रहा है वो अननोन फ्रीक्वेंसी वाले ट्यूनिंग फोर्क को करना चाहिए। अगर ये कंडीशन वो सेटिस्फाई कर रहा है तो आप बिल के थ्रू डायरेक्ट, ये नहीं देखना पड़ेगा फिर आपको, डायरेक्ट आप बिल से आंसर देख सकते हो। जैसे बिल से वैक्सिंग करने पर बिट इंक्रीज हो रही है तो लोअर आंसर, वेक्सिंग से बिट डिक्रीज हो रही है तो हायर आंसर, फिलिंग से बिट इंक्रीज हो रही है तो क्या आंसर हो जाएगा, हायर आंसर, फिलिंग से बिट डिक्रीज हो रही है तो लोअर है आंसर। तो चार तरीके की प्रॉब्लम जो है वो यहाँ पर आप डायरेक्ट बिल से, और दो टाइप की प्रॉब्लम आप डायरेक्ट वहां से सॉल्व कर सकते हो। अब हम प्रॉब्लम्स देखते हैं, कुछ प्रॉब्लम्स देखते हैं और उनके अंदर हम आंसर देखेंगे कि कितना इजीली हम विद इन सेकेंड्स जो है वो अपना आंसर है लिख सकते हैं। एग्जाम्पल है, देखिए हमने जो ऊपर वाले तीन केस लिए हैं, ये तीन केस हैं वैक्सिंग के अंदर, ठीक है, और नीचे वाले जो ये तीन केस हैं वो है फिलिंग के अंदर, और इनमें एक के केस ऐसा है जो सेम का है अपने पास। तो हम बात करेंगे यहाँ पर नॉन फ्रीक्वेंसी अपने को गिवन है 250 हर्ट्ज, इनिशियल बिट गिवन है, फाइनल बिट गिवन है, अननोन फ्रीक्वेंसी आपको, अननोन फ्रीक्वेंसी वाला जो ट्यूनिंग फोर्क है उसकी फ्रीक्वेंसी आपको पता करनी है। तो सबसे पहले बात करें हम वैक्सिंग की, तो वैक्सिंग के अंदर क्या हो रहा है, इनिशियल बिट प्रोड्यूस हो रहे थे 5 और वैक्सिंग करने के बाद में बिट प्रोड्यूस हो रहे हैं 8, यानी बिट जो है वो इंक्रीज हो रहे हैं। तो वैक्सिंग के अंदर अगर बिट इंक्रीज हो रहे हैं तो आंसर क्या होगा, लोअर आंसर, कैसे ध्यान में रहेगा, विल से, ठीक है। वैक्सिंग के अंदर अगर बिट इंक्रीज हो रहे हैं तो आंसर क्या हो जाएगा, लोअर आंसर हो जाएगा। लोअर आंसर होने का मीनिंग कि आपको नॉन फ्रीक्वेंसी में से इनिशियल बिट को माइनस करना है, हमेशा माइनस या प्लस जो करते हैं वो इनिशियल बिट को ही करते हैं, फाइनल बिट को कभी भी माइनस प्लस से नहीं करते। तो अगर इनिशियल बिट की बात करें तो 5 है आपके पास, तो मैं कहूंगा नॉन फ्रीक्वेंसी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 250 - 5 = 245 हर्ट्ज, ये आपका आंसर है हो गया। अगर हम बात करें यहाँ पर कि 250 हर्ट्ज है, इनिशियल बिट 5 है, फाइनल बिट 3 है, यानी वैक्सिंग करने पर बिट जो है वो डिक्रीज हो रहे हैं, तो वैक्सिंग करने पर अगर बिट इंक्रीज हो रहे थे तो लोअर आंसर, तो अपोजिट क्या हो जाएगा कि वैक्सिंग करने पर अगर डिक्रीज हो रहा है तो हायर आंसर, हायर आंसर का मीनिंग हो गया 250 + इनिशियल बिट 5, आपका आंसर कितना बन गया, 255 हर्ट्ज बन गया। नेक्स्ट अगर हम बात करें प्रॉब्लम की, तो नेक्स्ट क्या है कि 250 हर्ट्ज इनिशियल फ्रीक्वेंसी है, पहले भी जितने बिट प्रोड्यूस हो रहे थे बाद में भी उतने ही बिट प्रोड्यूस हो रहे हैं, यानी वैक्सिंग के अंदर बिट जो है वो सेम प्रोड्यूस हो रहे हैं, तो सेम प्रोड्यूस होने पर क्या कहते हैं कि वैक्सिंग के अंदर डिक्रीज होती है फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी डिक्रीज होती है, इसका मीनिंग पहले फ्रीक्वेंसी हाई थी, पहले फ्रीक्वेंसी हाई थी, इसका मीनिंग आंसर क्या हो जाएगा आपका, 250 + 5 = 255 हर्ट्ज, क्योंकि वैक्सिंग करने पर फ्रीक्वेंसी डिक्रीज होती है, पर डिक्रीज हो गई इसका मतलब हो गया कि अपना आंसर जो था वो पहले हाई था तभी तो डिक्रीज हुई है। अब नेक्स्ट अगर हम बात करें फिलिंग वाले आ गए, तो फिलिंग की बात करें तो 250 हर्ट्ज इनिशियल है, आपको बोल रहा है इनिशियल बिट 5 प्रोड्यूस हो रही है, बाद में कितनी हो गई फिलिंग करने के बाद में 6, तो फिलिंग करने पर बिट पर सेकेंड इंक्रीज हो रही है, तो बिट अगर इंक्रीज हो रही है फिलिंग करने पर, मैं क्या कहूंगा, मैं कहूंगा इसका बिल्कुल उल्टा हो जाएगा कि वैक्सिंग करने पर इंक्रीज होती है तो लोअर आंसर, तो फिलिंग करने पर अगर इंक्रीज होती है तो हायर आंसर हो जाएगा। तो मैं कहूंगा कि फिलिंग हमने कर दी,
फिलिंग करने के बाद में बिट पर सेकेंड इंक्रीज हो रहे हैं, बिट पर सेकेंड इंक्रीज हो रहे हैं, तो हायर आंसर हो जाएगा। हायर यानी 250 प्लस में 5 यानी कितना बन जाएगा 255 हर्ट्ज, ये आपका आंसर हो गया। इसके अंदर भी देखें तो फिलिंग कर रहे हैं, फिलिंग करने पर बिट पर सेकेंड जो है वो क्या हो रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं, बिट पर सेकेंड इंक्रीज हो रहे हैं, तो इंक्रीज होने पर आंसर कौन सा होता है, हायर आंसर। हायर आंसर यानी 250 प्लस 5 कितना हो गया 255 हर्ट्ज हो गया। अगर इसकी बात करें तो इसमें देखो कि पहले बिट प्रोड्यूस हो रहे थे 5, उसके बाद में बिट प्रोड्यूस हो रहे हैं 4, तो बिट पर सेकेंड जो है वो डिक्रीज हो रहे हैं या बिट जो है वो डिक्रीज हो रहे हैं। तो फिलिंग में अगर बिट डिक्रीज होते हैं तो क्या बोलेंगे, मैं कहूंगा अगर फिलिंग में बिट इंक्रीज होते हैं तो हायर आंसर, तो फिलिंग में अगर बिट डिक्रीज होते हैं तो लोअर आंसर ले लो। तो अगर बिट डिक्रीज हो रहे हैं तो लोअर आंसर, लोअर आंसर का मीनिंग 250 माइनस 5 यानी कितना बन जाएगा 245 हर्ट्ज बन जाएगा आपका आंसर, अननोन फ्रीक्वेंसी की वैल्यू। नेक्स्ट की बात करें तो नेक्स्ट के अंदर हम क्या बोलेंगे कि नेक्स्ट केस जो अपने पास है, नेक्स्ट केस हम ले रहे हैं कि फिलिंग करने पर जितने इनिशियल बिट प्रोड्यूस हो रहे थे उतने ही अगर बाद में प्रोड्यूस हो, पहले जितने बिट प्रोड्यूस हो रहे थे उतने ही बाद में प्रोड्यूस हो, तो आंसर क्या करेंगे, तो हम बोलते हैं कि फिलिंग के अंदर क्या होता है कि जब क्रोम को रब करते हैं, पॉलिश करते हैं, तो उसका मास जो है वो कम हो जाता है, मास कम होने पर उसकी फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो जाती है, तो फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो जाती है फिलिंग के थ्रू, तो फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो जाएगी, इसका मीनिंग पहले जो फ्रीक्वेंसी थी वो क्या थी, कम थी, लोअर आंसर था, तो यहाँ पर अपना आंसर भी क्या बन जाएगा, लोअर, लोअर आंसर बन जाएगा। तो मैं कहूंगा 250 माइनस 5 कितना बन गया 245 हर्ट्ज आपका आंसर बन गया। अब देखिए हम इसी के बेसिस पर 6 टाइप की प्रॉब्लम जो है उनको इजीली सॉल्व कर सकते हैं, और मैंने जो कंडीशन बताई है कि ए की फ्रीक्वेंसी गिवन होनी चाहिए, फर्स्ट जो आपको ट्यूनिंग फोर्क दे रहा है उसकी फ्रीक्वेंसी गिवन होनी चाहिए, सेकंड जो आपके पास ट्यूनिंग फोर्क है उसकी फ्रीक्वेंसी जो है अननोन होनी चाहिए, और अननोन फ्रीक्वेंसी वाली वाले ट्यूनिंग फोर्क की प्रोम को ही फिलिंग करें या वैक्सिंग करें, तो अपना जो आंसर है किसी भी क्वेश्चन का कभी भी गलत है नहीं होगा, तो समझिए। और अगर ये चीज जो है वो आप पहले बीट वाला कॉन्सेप्ट और पहले जो है वो ट्यूनिंग फोर्क और इसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है नॉन फ्रीक्वेंसी डिटरमाइन करने का वो अगर पढ़कर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आएगा, और आपका कोई भी क्वेश्चन जो है वो ज्यादा से ज्यादा आप 5 सेकंड के अंदर सॉल्व कर सकते हो, अगर ट्यूनिंग फोर्क का आपके पास कोई क्वेश्चन है अननोन फ्रीक्वेंसी डिटरमाइन करने के लिए। तो थैंक यू।